तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और सारे छात्र के नौजवानों ने उनको मानने का काम किया। आपका मोबाइल में फोटो रहेगा तो फेंका जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपके दिल में जो छपेगा वो कोई नहीं मिटा सकता। दिल में जो जगह बसेगा वो आजीवन मरते दम तक बसा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हर बार देखने को मिलता है कि जिस पोस्टर में तेज प्रताप यादव की फोटो छपी होती है, आज बात हम आरजेडी की कर रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की फोटो नहीं होती है? इसका जवाब भी तेज प्रताप यादव ने दिया है। क्या कुछ कहा है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन आपको बता दें छात्र जनशक्ति परिषद जो कि तेज प्रताप यादव ने एक नया संगठन खड़ा किया है, उसकी बैठक हुई थी छात्रों के साथ। तेज प्रताप यादव भी उसमें मौजूद थे। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2M स्टैंड रोड यानी कि तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास की, जहाँ पर छात्र जनशक्ति परिषद के तमाम जो युवा हैं उन सभी की बैठक हुई तेज प्रताप यादव के साथ। लालू सभागार में एक छोटा सा कमरा है जिसका नाम दिया गया है लालू सभागार। सोचिए, छात्र जनशक्ति परिषद जिसके बारे में तेज प्रताप यादव कहा करते हैं कि ये आरजेडी के पीछे से सपोर्ट करेगा, छात्रों की ये संगठन है जो आरजेडी को और मजबूत बनाएगा, लेकिन जब आरजेडी को मजबूत बनाना है तो उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, राबड़ी देवी की तस्वीर है, तेज प्रताप यादव की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर इसमें नहीं दिख रही होगी। आपको, आप तस्वीर देख भी रहे होंगे, इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं है। एक बार फिर से, छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से जो बैठक बुलाई गई थी उसमें जो पोस्टर लगाया गया है लालू सभागार, उसमें लिखा गया है, उस कमरे का नाम दिया गया है, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव की फ़ोटो गायब है। ऐसा क्यों है? तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी हैं, और अब जब हमने तेज प्रताप यादव से पूछा है इसको लेकर तो उन्हें कितना सुंदर जवाब दिया है, ज़रा सुनिए। क्या इस जो छात्र जनशक्ति परिषद है उसे क्या आरजेडी को समर्थन नहीं है? काहे नहीं है समर्थन? फोटो एक गायब है। नहीं, फोटो आप देख सकते हैं कि नहीं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल फोटो होता है तेजस्वी जो, तो मुख्यमंत्री चेहरा है, और मुख्यमंत्री चेहरा पे केवल तेजस्वी जी का, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी का है, उनका अकेला फोटो होता है। तो हम लोग ने उनको अकेला फोटो, जो यहाँ पे जो पार्टी के लोग जो हैं उन लोग करने का काम किए, तो अकेला फ़ोटो उनका केवल मुख्यमंत्री चेहरा, इसीलिए उनका फ़ोटो है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और सारे छात्र के नौजवानों ने उनको मानने का काम किया, तमाम लोगों ने मानने का काम किया। तो फ़ोटो किसका है किसका नहीं है, आपका मोबाइल में फ़ोटो रहेगा तो फेंका जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपके दिल में जो छपेगा वो कोई नहीं मिटा सकता। बनाना है तो दिल में जगह बनाइए, फोटो में, होर्डिंग में, पोस्टर में, और आपका मीडिया का कैमरा में जगह नहीं बताओ, मीडिया का कैमरा फेंका जाएगा नाली में, लेकिन जो है दिल में जो जगह बसेगा वो आजीवन मरते दम तक बसा रहेगा। तो आपने सुना, अगर किसी की फ़ोटो को रखना ही है तो अपने दिल में रखिए, मोबाइल में फ़ोटो रखना हो या कैमरा में फ़ोटो रखना हो तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी की तस्वीर को बसाना हो तो दिल में बसाइए। ये तेज प्रताप यादव ने अनोखा जवाब दिया है, अनोखे अंदाज में, और आपने सुना भी है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर कई सारी चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं कि क्या कोई खटास पैदा हो गई है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में, लेकिन हर बार तेज प्रताप यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव उनके अर्जुन हैं, और तेजस्वी यादव भी हर बार इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पोस्टर को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि पोस्टर में आखिर तस्वीर तेजस्वी यादव की क्यों नहीं झलकती है, तो उन्हें क्या कुछ कहा है आपने सुना है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अब छात्रों के संगठन को और मजबूत कर रहे हैं, अपने छात्र जनशक्ति परिषद को, कितने हद तक ये आरजेडी को सफल बनाती है, क्योंकि अब बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। देखना ये होगा कि क्या इन 2 सीटों पर आरजेडी और महागठबंधन बाजी मार पाती है, या फिर से ये दोनों ही सीटें जेडीयू के खाते में जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।